In this video today, I'm gonna show you how you can create a JSON server in your local system so that you don't have to depend on any third-party website to get the JSON data from that website. Okay, तो आपको आप खुद अपने सिस्टम में अपने कंप्यूटर में ऐसे JSON सर्वर क्रिएट कर सकते हो ताकि आप अपने एप्लीकेशन से उस JSON सर्वर के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो. And you can use the other HTTP methods like port, get, post and delete with the help of this JSON server. I'm also going to show you how you can use the post method to send our data into a server. So stick with this video till the end. This video is going to be very power packed and I promise you will learn lots of things from this video. So let's get started. So in order to work with that JSON server, we are going to open a terminal itself and we are going to install a package globally, okay? And we are going to install it via this npm and that package called JSON server, okay? So it's being installed globally. तो globally ये हो रहा है, install हो रहा है ताकि आप ये JSON server कहीं पर use कर सकते हो, ठीक है. और इसके साथ मैं ऐसा trick दिखाने वाला हूँ आपको ताकि आप जो आपका जो end point है उसको आप test कर सकते हो through this Visual Studio Code. That would be very helpful for your end point testing. तो हमारा ये JSON सर्वर अभी इंस्टॉल हो गया है, ये पैकेज इंस्टॉल हो गया है. अभी हमको क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसको हम लेट्स कॉल इट JSON सर्वर. देन इसके अंदर हमें एक DB क्रिएट करना है जिसमें हम अपना डेटा JSON डेटा रखेंगे. तो इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, हम इसको db.json दे रहे हैं इसको. और इसमें हम एक JSON डेटा क्रिएट कर रहे हैं. जैसे कि सोचिए हम क्लासेस नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और इसमें हम ये एक एरे होगा, ठीक है. इस एरे में हम कुछ डेटा डालेंगे. कैसी डेटा के सोचिए कि फर्स्ट इसका आईडी होगा ID 1 और जो इसका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट भी दे देते हैं सब्जेक्ट. चलिए इसको नाम देते हैं फिजिक्स, ओके. सिमिलरली हमारे पास और एक डेटा होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके सब्जेक्ट होगा मैथ्स, ओके. अभी इसको हमको चलाना होगा ताकि ये क्लासेस हमें URL के थ्रू मिल जाए, HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू मिल जाए, ठीक है ना. तो हमको इधर पे जाना है JSON सर्वर पे और इधर जाके हमें वो इंटीग्रेटेड टर्मिनल खोलना है, ठीक है, JSON सर्वर के अंदर. अब जाके क्या हुआ, हमें एक JSON सर्वर हम इस कमांड को चलाएंगे, वॉच दे रहे हैं ताकि कोई भी चेंज हुआ तो JSON सर्वर को वो उसको मिल जाए और उसके हिसाब से वो डेटा को दिखाए, ठीक है. इसके बाद जो पैरामीटर आएगा वो है कौन सा JSON फाइल हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो db.json होगा, ओके. तो देख रहे हो ये रिसोर्स क्या है कि HTTP localhost 3000 क्लासेस में ये काम कर रहा है. तो अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इधर पे चला के देखते हैं तो आप देख रहे हो ये JSON डेटा रिटर्न कर रहा है. अभी आप ये तो सिर्फ गेट मेथड है इसलिए आपको दिखा रहा है. अगर ये पोस्ट मेथड हुआ तो आपको तो ये तो इधर आपका URL में दिखेगा नहीं, है ना. तो इस ब्राउज़र में दिखने के लिए तो आपको क्या करना होगा, तो एक आपको एक सिंपल सा एक्सटेंशन बताता हूँ जिसका नाम है REST Client, ओके. आप अपने एक्सटेंशन में जाओगे और जाके REST Client वाला जो एक्सटेंशन होगा VSC में उसको भी इंस्टॉल करोगे, ठीक है ना. और फिर इसी फोल्डर में आप एक न्यू फाइल क्रिएट करोगे जिसको कहें
कहना है रिक्वेस्ट डॉट रेस्ट। ओके, अभी इसमें आप अगर गेट ये वाला जो यूआरएल है ये अगर हम दे देते हैं, अब देखिए इसका कमाल। अब अगर सेंड रिक्वेस्ट पे ये क्लिक करते हो तो देखिए, देखो इसमें आपका जो रिटर्न जेसन वो दिखा रहा है। तो ये एक्सटेंशन बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके अगले वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जर्नी के लिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप ऐसे करके आपका एंड पॉइंट आप टेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई नया रिक्वेस्ट देखना है तो आप ऐसे कर सकते हो, पोस्ट इसको ऐसे डाल सकते हो, पोस्ट क्लासेस, और इसका टाइप होगा आपका कंटेंट, टाइप होगा आपका एप्लीकेशन जेसन, और आप इसमें आईडी और सब्जेक्ट है तो आप इसमें आईडी थ्री और सब्जेक्ट अगर आप केमिस्ट्री डालते हो, और अगर आप इसको कॉल करते हो तो आपका ये पोस्ट कॉल हो गया। अभी अभी आप अगर सेंड करके देखना चाहते हो कि आपका वो पोस्ट कॉल सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, और ये केमिस्ट्री वाला जो सब्जेक्ट ये वो लिस्ट में ऐड हुआ है कि नहीं, तो आप इसको क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो आपको देखो तीन रिजल्ट अभी रिटर्न हो रहा है ना। इसका मतलब है आपका ये वाला काम ठीक तरह से, जेसन सर्वर आपका ठीक तरह से काम कर रहा है, और आपके पास अभी गेट और पोस्ट दोनों की तरह की कॉल है, आप इसमें काम कर सकते हो। तो हमें अभी जो करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं हमारे एजक्स के थ्रू। इसलिए हमको क्या करना होगा, चलिए इसको आगे ले लेते हैं। मैंने ये कुछ रिफैक्टर किया है, तो चलिए इसको देखते हैं क्लासेस। ओके, तो हम इसको क्लासेस में इधर क्लासेस डाल के देखते हैं क्या होता है। ये रिज़ल्ट आपको वापस आएगा कि नहीं आप देख सकोगे। तो इधर कंसोल होगा ना, तो गेट रिक्वेस्ट करते हो, ये देखो आपका वैल्यू आ गया है ना, वो जो हमारा जेसन सर्वर है वो ये वैल्यू रिटर्न किया। तो है ना ये हेल्पफुल, आपको आपको बहुत काम आएगा ये जेसन सर्वर, ये मॉक जेसन सर्वर आपने जो क्रिएट किए हो ये बहुत काम आएगा। और है एक बात मैंने बताना तो भूल गया कि अब हम इसको ट्रू रखे हैं है ना, तो इसलिए ये कंसोल लॉग जो है ये दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक एसिंक ऑपरेशन है, ये ट्रू, जब ये पैरामीटर हम ट्रू भेज रहे थे तो ये जो एसिंक ऑपरेशन है इसको बता रहा था कि ये एसिंक ऑपरेशन है, तो ये जब बाद में कॉल करना होगा, मतलब जब इसका ऑपरेशन ख़त्म हो तब भी ये एग्जीक्यूट होगा, ऐसा सिनेरियो पैदा कर रहा था। अगर ये हम फॉल्स कर देते हैं तो देखिएगा आप कि पहले ये होगा एग्जीक्यूट, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर जाके ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। ये देखिए ये एग्जीक्यूट हुआ, एपीआई कॉल एग्जीक्यूट हुआ लाइन नंबर टू, उसके बाद ये एग्जीक्यूट हुआ ये वाला एचटीटीपी रिक्वेस्ट, उसके बाद आपका आफ्टर कॉल और आफ्टर कॉल टू एग्जीक्यूट हुआ। क्योंकि हम भी हम ये इसको नहीं बोल रहे हैं कि ये एसिंक तरह की रिक्वेस्ट है या नहीं, ये हम इसमें मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो सिंक्ड ऑपरेशन की तरह ही अपने आप काम कर रहा है, ऐसे ही ट्रीट हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखिएगा ये ऐसा काम करेगा, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, अभी पोस्ट रिक्वेस्ट देखेंगे ताकि हम एक डेटा सेंड करें और वो db.json में आ जाए, है ना। तो हम लोग अभी देख लिए हैं कि हमें ऐसे URL कॉल करना है जिसमें हमें कंटेंट टाइप ऐसा होगा, और ऐसे
हमारे एक ऑब्जेक्ट पास करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक फंक्शन प्रिपेयर करना होगा, पोस्ट कॉल फंक्शन के नाम दे रहे हैं हम। इधर से कॉपी कर लेते हैं जितना भी हो सके, क्योंकि पूरा का पूरा लिखना नहीं है हमें। तो लोकल होस्ट क्लासेस है, इधर को चेंज करना है पोस्ट, इसको रहना है ऐसा ही है, हम इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है। अभी क्या होगा, हम इसमें एक कॉन्स्ट डेटा ले लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम आईडी भेजेंगे, फोर भेजना होगा, हम फोर भेज रहे हैं। ये आईडी अगर ना भी भेजो तब भी चलेगा, फिर भी हम एक्सक्लूसिवली इसमें आईडी भेज रहे हैं, ठीक है। और क्या भेजेंगे हम, सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट हम भेजेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट इसमें दे देते हैं इंग्लिश, ठीक है। लेकिन ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको ये जो डेटा इसको भेजना है, फिर भी आप देखोगे ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अभी ये पोस्ट कॉल जो है, इसको हमको एक बटन, ऐसा एक बटन इधर पे क्रिएट करना होगा, और ये फंक्शन जो है हमें इधर ऐड करना होगा। इसको नाम चेंज कर देते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट कर देते हैं, सक्सेस को हम प्राइमरी में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो अभी ऐसा हमारा इवेंट है, पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, गेस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये दिखा रहा है। अब पोस्ट रिक्वेस्ट में आपका ये फंक्शन कॉल होगा, पोस्ट कॉल जो फंक्शन है ये फंक्शन कॉल होगा, और जो डेटा है इसको इधर अपडेट होना चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं ये अपडेट होगा कि नहीं। ये अपडेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर एक प्रॉब्लम होगा। चलिए देखते हैं नेटवर्क टैब में, देखते हैं काम होता है नहीं, ठीक है। अभी देखिए इसमें सिर्फ आईडी 4 गया, लेकिन अब हमारा जो सब्जेक्ट जो हम इधर जो ऐड किए, ये तो नहीं गया। तो इसको भेजने के लिए हमको क्या करना होगा, एक HTTP का एक हेडर को हमें सेट करना होगा, ठीक है। कैसा सेट करना होगा, क्योंकि इसको कंटेंट जो टाइप है वो एप्लीकेशन जेसन है, इसको हमको सर्वर को बताना है, ठीक है ना। अभी जो ये जो डेटा है आ रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आ रहा है, लेकिन हम तो ये जो URL है URL में भेजेंगे। तो HTTP प्रोटोकॉल में जब हम भेजते हैं, तब इसको हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो स्ट्रिंग कन्वर्ट होगा, उसके बाद ही वो जाके बैकएंड में जाएगा, बैकएंड में जाके वो अपना काम करेगा। तो बैकएंड जो डेवलपर होता है, उसका काम होता है कि उस वो जो जेसन है वो URL के थ्रू उसके उनके लोगों के पास आता है, वो लोग उसको वो डेटा डिस्ट्रक्चर करता है, करने के बाद वो लोग उसको लेकर अपने क्वेरी में डालते हैं। सोचिए कि इधर हमने भेजा कि ID 4 और सब्जेक्ट इंग्लिश होगा, तो वो अपने SQL क्वेरी डालेगा ऐसे कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और उसके बाद ये वैल्यू पास कर देगा, है ना, अपने कॉलम में, आईडी के कॉलम में और सब्जेक्ट के कॉलम में अपना वैल्यू पास कर देगा, ऐसे काम होता है। तो हमको इसलिए इसको URL के थ्रू जब हम भेजेंगे, तब हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो JSON को कन्वर्ट करने के लिए JSON Stringify नाम ऐसे ये मेथड अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना।
अभी इसको डिलीट कर देते हैं और देखते हैं अभी ये जो डेटा है ये इंसर्ट होता है या नहीं, ठीक है ना। और इधर पे हम देखेंगे हमारा कॉल होता है नहीं, मतलब नेटवर्क टैब में आपको दिख जाएगा ये कॉल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए पोस्ट रिक्वेस्ट पे हम क्लिक करते हैं, कुछ तो हुआ, देखते हैं डेटाबेस में। देखिए ये आईडी और सब्जेक्ट आ गया है इसमें, है ना। तो हमारा जो पोस्ट जो रिक्वेस्ट हमने क्रिएट किया है तो वो सक्सेसफुल है। अभी इसमें हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको चेंज करके इसमें हम मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हम इसमें हिस्ट्री डाल रहे हैं, काम सिमिलरली होगा। चलिए पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, इधर जाके डीबी जेसन में देखते हैं। देखिए हिस्ट्री और आईडी 5 ये वही ऑब्जेक्ट में अपेंड होकर नया डेटा इंसर्ट हो गया, है ना। तो आपका जो पोस्ट कॉल ऐसे काम करता है ना, ये बहुत इजी। तो इस वीडियो में आप तीन चीज़ें सीख पाए, कैसे एक जेसन सर्वर आप क्रिएट कर सकते हो ताकि आप अपना जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वो लोकल सिस्टम में ही हो, ताकि आपका कोर्स आप एक एरर आप अगर दूसरा कोई डोमेन में डेटा एक्सेस करना चाह रहे हो तो आपका एक एरर आ सकता है, क्रॉस ओरिजिन का एक एरर आ सकता है जिसको आप हैंडल नहीं कर सकोगे, ठीक है। उसको हैंडल करने के लिए सर्वर साइड में अलाउ करना होता है, वो कोई भी यूआरएल से वो सर्वर को कॉल कर सकता है, ऐसा क्रॉस एक्सेस ओरिजिन को अलाउ करना होता है, तब जाके आप पा सकोगे। लेकिन सिंस दिस एंटायर सर्वर हैड बीन क्रिएटेड ऑन आवर लोकल सिस्टम, सो दैट्स व्हाई वी डोंट नीड टू इंक्लूड दैट क्रॉस एक्सेस दैट कोर्स method or whatever the course into our server. We can easily manage this entire update or insert in this way since it is on our local system. तो हमारा post call हो गया, data send कर रहे हो, और अभी हम history इधर अगर geography भी डाल देते हैं और इसको अगर पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो आप देखोगे आपका जियोग्राफी भी अभी ऐड हो गया, है ना। तो अभी देखो आप इधर से अगर ये करते हो तो सारा का सारा डेटा आ रहा है। ये हमारा एक रेस्ट क्लाइंट के थ्रू ये बहुत ही एक यूज़फुल चीज़ है हमारे पास। और सेंड रिक्वेस्ट हम जब करते हैं केमिस्ट्री है, अभी हिंदी डाल रहे हैं, इसको अगर हम सेंड रिक्वेस्ट करें, सॉरी ये वाला सिमिलर है इसलिए ये गया। तो अगर हम सेंड रिक्वेस्ट करें तो देखिएगा एक नया इंसर्ट हो गया। अब सेंड रिक्वेस्ट अब जब देख क्लिक करोगे तो आपको हिंदी भी दिख जाएगा, सेम चीज़ आपको गेस्ट रिक्वेस्ट में भी देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि ये कॉल हम पहले ही कर चुके हैं। तो ऐसे ही हमारे XML HTTP रिक्वेस्ट AJAX के थ्रू हम पोस्ट करते हैं और डेटा को सेंड कर सकते हैं पोस्ट कॉल के थ्रू। अभी पोस्ट कॉल क्यों होना चाहिए इसके लिए अब मैंने एक सेपरेट वीडियो में क्रिएट करूँगा, उसमें मैं डिटेल में इसके क्यों हम पोस्ट कॉल यूज़ करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और अगले वीडियो में हम पुट और डिलीट भी करके देखेंगे कैसे ये होता है, और हम गेट के थ्रू कैसे एक डेटा हम उठा सकते हैं वो भी हम दिखाएंगे। अगर आपको ये कोड समझ में नहीं आया, अगर ये बहुत जल्दी हो गया तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, मैं इस ये वीडियो सेपरेटली धीरे धीरे फिर बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल,
then please hit the like button, and if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe my channel, and I will see you soon in my next video. So until then, keep practicing.